जब आप इस सामान को ऑर्डर करेंगे तो आपको एक ऐसा बॉक्स मिलेगा। इसको ख़रीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। एक ये रोल मिलेगा जो कि 5 मीटर का होगा, पिक्सल एलईडी का, जिसमें एक के साथ एक एलईडी लगी हुई है, 5 मीटर का पूरा रोल है। ये इसका मेन कंट्रोलर है जिसमें कि ये बटन कलर चेंज करने के लिए है, ये स्पीड कंट्रोल करने के लिए, आप इसको किसी पेचकश की सहायता से घुमा के स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं, बटन से कलर चेंज कर सकते हैं, और ये रैंडम और ऑटोमेटिक के लिए है। यहाँ पर आपको पिक्सल एलईडी का डाटा पिन लगानी है, यानी कि जो पिक्सल एलईडी के शुरुआत का ये जैक होता है ये यहाँ पर इस तरह से फंस जाएगा। उसके बाद जब आप इस वायर पर सप्लाई देंगे 5 वोल्ट, तो इस कंट्रोलर को भी इसी से सप्लाई मिल जाएगी और पिक्सल एलईडी को भी। एक ही कंट्रोलर, पिक्सल एलईडी, 5 वोल्ट 5 एम्पेयर का पावर सप्लाई, 2 ये सेंसर। आप इस सेंसर की जगह आईआर सेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोशन सेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है आप कौन सा इस्तेमाल करना चाहें। इसमें इतनी वायर आती है, उसमें आपको ये पिक्सल एलईडी का ऐसा जैक मिल जाएगा मार्केट से, बोलेंगे तो मैं साथ में दे दूंगा। ये यहाँ पर सोल्डिंग करके टेप लगा देनी है। उसके बाद ये 2 वायर सेंसर की है, सेंसर डाउन, सेंसर अप, यानी कि स्टार्टिंग के स्टेयर पर जो सेंसर लगाना है एक वायर यहाँ लगा देनी है, ये सेंसर सबसे नीचे, ये सेंसर सबसे ऊपर। आपको इसके साथ 2 सेंसर मिलेंगे। एक सेंसर बिल्कुल कंट्रोलर के पास में लगेगा जो सीढ़ी के पहले स्टेप पे होगा, और एक सेंसर सीढ़ी के लास्ट स्टेप पे लगेगा, जिसकी आपको वायर लंबी करके, ये बीच में से वायर लंबी करके सीढ़ी के लास्ट स्टेप तक पहुंचानी है। तो दोस्तों ये है पूरा सामान। अब चलिए आइए चलते हैं वीडियो की ओर और पूरा डिटेल से देखते हैं। दोस्तों इस पूरे लाइट को लगाने के लिए आपको एक 5 मीटर का रोल चाहिए होगा पिक्सल एलईडी का, एक ये कंट्रोलर, 2 इस तरह के सेंसर, 1 पावर सप्लाई, और ये काम किस तरह से करती है आइए वो देखते हैं। जैसे ही पहले सेंसर के सामने से कोई जाएगा तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे ही लास्ट वाले सेंसर के सामने से कोई जाएगा तो उल्टा बंद होना शुरू हो जाएगा। ये एक सेंसर है जो सीढ़ी की स्टार्टिंग में लगेगा, सीढ़ी के पहले स्टेप पर लगभग कमर की ऊंचाई के बराबर स्कार्टिंग पर ये एलईडी जाएगी, ऐसे लगती है स्कार्टिंग पर। दूसरा सेंसर आपको सीढ़ी के लास्ट स्टेप पर लगाना है, जो कि इस तरह का होगा। आप ऊपर से जाएं या नीचे से जाएं, जिस सेंसर के सामने से जाएंगे वहां से लाइट एक्टिव हो जाएगी। अब मैं उधर से आया, यानी ऊपर से आया, और नीचे क्रॉस करते ही ऊपर से बंद होनी शुरू हो गई। एक बार दोबारा देखते हैं। मेन काम आपका ये सेंसर को अपनी सही जगह पे लगाना है, जो कि एक पहले स्टेप पे लगेगी और एक लास्ट स्टेप पर। उसके बाद ये कंट्रोलर आपको चाहिए, इस कंट्रोलर की मदद से आप इस लाइट की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसे मैनुअल और ऑटोमेटिक मोड पे डाल सकते हैं। तो इस बटन को दबाना है, दबाने के बाद एक लाइट आपको दिख रही होगी, ये अब अपने आप ऐसे ही घूमती रहेगी जब तक कोई नहीं आएगा।
और जैसे ही इसके सामने कोई आएगा तो इस टाइप में चलेगी। अगर आप ये सिंगल एलईडी को घुमाना नहीं चाहते तो आपको ये स्विच ऑफ करना है। आप इससे कलर चेंज कर सकते हैं, हर बार अलग अलग कलर, मल्टी कलर। इसमें तीन बटन दिए हुए हैं, पहला स्टैंड बाय और ऑटोमेटिक के लिए, यानी कि एक लाइट को आपने जलता छोड़ना है तो ये स्विच ऑन रहेगा। अगर आप सिंपल सिर्फ स्टेयर लाइट का मजा लेना चाहते हैं तो इस स्विच को ऑन रखना है। दूसरा ये एक पोर्ट दिया हुआ है जिसको आप किसी भी पेचकस की मदद से लेफ्ट या राइट घुमाएंगे तो इसकी भागने की स्पीड कंट्रोल होगी। और तीसरा बटन जो है वो कलर के लिए दिया हुआ है। बटन इस तरह से काम करेगा, जैसे ही हम बटन को दबाएंगे यह ब्लू कलर चल रही है। अब जब भी कोई आएगा या जाएगा तो ब्लू कलर की लाइट जलेगी। आपको ब्लू कलर सेट करना है तो लास्ट बस बटन को दबा के छोड़ दीजिए, फिर बटन दबाएंगे, अब ग्रीन कलर चल रहा है। ब्लू कलर मजेंटा कलर व्हाइट। ये बटन जब आप छोड़ देंगे तो जो लास्ट आपने छोड़ा होगा वही कलर हमेशा चलता रहेगा। रेड कलर, अभी ये रेड के बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा, अभी ये मल्टी कलर चलेगा। अभी हो गया मल्टी कलर, मान के चलिए मैं इसके सामने से गया सेंसर के सामने जाते ही ये मल्टी कलर हो गया। वहाँ से ऑफ करिए, दोस्तों इसमें एक खास फीचर है कि अगर दोनों सेंसर में से कोई सा भी एक सेंसर ख़राब हो जाता है और लाइट अपने आप चलती रहती है तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक इसके अंदर ऐसा प्रोग्राम किया हुआ है कि ये 5 मिनट के बाद लाइट को ऑफ कर देगा। मान के चलिए ये नीचे वाला सेंसर एक्टिव हुआ, अब कोई भी नहीं जा रहा या आ रहा तो अपने आप ये 5 मिनट के बाद लाइट बंद हो जाएगी। अब वो 5 मिनट इंतज़ार करना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन फंक्शन इसमें यह डाला हुआ है। आप इसमें कलर चेंज कर सकते हैं इन बटनों के माध्यम से। स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड मतलब इसको आप घुमाएंगे तो बहुत स्लो आएगा, बहुत स्लो, आराम आराम से। ये स्पीड कंट्रोल करने के लिए है, आप चाहते हैं बहुत धीरे धीरे लाइट जाए आगे की तरफ तो आप इसको बिल्कुल हाई पे कर सकते हैं। स्पीड फास्ट करने के लिए आपको इसको फुल पे कर देना है।
अभी एकदम भागता जा रहा है। कलर आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, जैसे इस समय आधा पोर्शन रेड जल रहा है, आधा पोर्शन ग्रीन जल रहा है, ब्लू जल रहा है, मजेंटा जल रहा है, स्काई ब्लू चल रहा है, येलो। ये एक ही स्टेप में पांचों पांच छह कलर चल रहे हैं, तो आप इसको अपने हिसाब से उस बटन के माध्यम से सेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मेरे चैनल